इट्स अराउंड 5:25 और अभी मैं उठी हूँ एंड मेरा फोपड़ा इस टाइम पूरा नींद वाला हो रहा है बिकॉज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, बट हमें 6 बजे निकलना है तो इतने बजे तो उठना ही पड़ेगा। लेकिन पता नहीं आधे घंटे में मैं कैसे तैयार होंगी एंड स्टिल माय पेरेंट्स आर आल्सो स्लीपिंग, सो लेट्स स्टार्ट आवर डेली रूटीन। कर रहे हैं कि कब भैया कार निकालेंगे, तो तब तक चलते हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ। हेलो, हाय। सो अब हम वेट करेंगे भैया का। ओके गाइस, सो भैया आ गए एंड अब हम चलते हैं कार में। यस, मेरे सारे हालात तू माही वे। हम रेडी हैं एंड रेडी हो चुके हैं कार में बैठने के लिए और इसके बाद हम निकलेंगे होशियारपुर के लिए, सो लेट्स वेट फॉर दैट, बाय। One hour later. Later. One eternity later. Guys, हम आ गए हैं अपनी कुलदेवी के राजनी माता जो कि होशियारपुर में ही है, सो अब मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगी, सो चलो चले। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई, तेरी ममता से जो गहरा हो। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए, बहुत अच्छी तरह हुए क्योंकि दिन का टाइम था, सो इस टाइम अभी रश भी नहीं था एंड अभी यही हम नून टाइम पे आते तो बहुत ज़्यादा रश होता, तो अब हम चले अपने जठेरे जो एक्चुअली मेन काम था हमारा, सो मिलते हैं आपको जठेरे में, बाय। Later. ओ फस गई मैं। ये हम अब हम आए हैं, आई हूँ अपने पिंड। ये बहुत ही टिपिकल विलेज है एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर का बचपन गुजरा, जाता नहीं तो थोड़ा बहुत उन्होंने खेला है एंड उनको थोड़ी बहुत जगह याद है, तो एंड यहाँ पर हर जगह खाली घास ही घास है क्योंकि डेवलप एरिया बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रूरल है। तो आप पीछे देख सकते हो सारा ग्रीन ग्रीन ओनली, तो मैं आपको आगे से दिखाती हूँ अपने घर का भी।
ये जीना भी ना जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता, ओ मैं ही तो तेरा पता है दूसरा ना कोई रास्ता आए मुझे। ये था मेरे बुआ जी मेरी बुआ दादी का घर और यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे फोटो बहुत अच्छी आती है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। गाइस अब हम कार में बैठ गए हैं, हमने चठेरों की पूजा कर ली है और वो बहुत अच्छी तरह हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं अपने ताया जी से मिलने, यानी कि मेरे ताया दाया जी से मिलने, तो वो भी होशियारपुर में है। बस उनसे मिलके हम थोड़े बहुत और घूमेंगे, थोड़े रिलेटिव्स के घर, यू नो जब यहाँ आते हैं तो घूमना पड़ता है मजबूरी, तो यहाँ से घूम कर फिर हम वापस जाएँगे लुधियाना। तो अब हम आपको जर्नी दिखाते हैं अपने ताया दादा जी के घर की। आइसक्रीम खा लो बड़ी मम्मी, खानी तो है ना को, हम तो खाते ही हैं, है ना। हम आ गए हैं अपने ताऊ दादा जी के घर, तो आपको मिलाती हूँ उनसे। जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता, ओ मैं ही तो तेरा पता है दूसरा ना कोई रास्ता आए मुझ तक वो तुमको जो हो ढूंढता, मेरे खामोशियों में है तू बोलता ये जीना भी। So guys, हम निकल गए हैं अपनी ताया दादा के घर। अरे कहना क्या चाहते हो? ताया दादा के घर से। ये क्या है? मुझे अपने घर जाना है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। गाइस आई एम बैक, और वापस आ गई हूँ मैं अपने घर पर, और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल करके बहुत पीठ दर्द हो रही है इस टाइम, और अब मन कर रहा है कि सीधा बेड में जाके सो जाओ। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद न्यू एडवेंचर्स। ओके बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।